खरगोन जिले के महेश्वर थाना क्षेत्र में ग्राम काचीकुआ के गंगाराम पिता गेंदालाल और उसके परिवार वालों पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले के पीछे मामला जमीन और मकान विवाद का है, जिस पर गंगाराम अपने परिजन सहित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपी पूनम ओसारे, किशोर और जगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि पूनम ओसारे अपने साथियों के साथ आया और मारपीट करने लगा। जब महेश्वर थाना में शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो वहां से हमें भगा दिया। पूनम चंद छोगालाल और किशोर ओसारी और जगन ओसारी, उनके परिवार सभी मिलकर, मिश्रीलाल ओसारी सभी मिलकर हमको बाहर गांव और उनके रिश्तेदारों को बुलाकर हमारे साथ ये सब मारपीट की और हम घायल हो गए थे। घायल होने के बाद हमको जैसे तैसे हमारे परिवार मम्मियाँ है, बहन है, वो आए ना, उनके जो फादर है उनके ऊपर लेट गए। ये फादर है, मम्मी उनके ऊपर ये मार रहे थे सामने वाले, तो उनको ऊपर मम्मियाँ लेटने के बावजूद भी मम्मियाँ उनको मारा उन्होंने। और किस बात को लेकर विवाद हुआ? जमीनी विवाद। हाँ, मारने वाले के थाने में आप लोग गए थे, रिपोर्ट गए थे ना, क्या हुआ? तो गए थे हम रिपोर्ट, तो उन्होंने आपसी मामला बताकर रिपोर्ट हमारे दर्ज नहीं। किसने बोले थे कि महेश्वर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई और गुजरी काकड़दा, हमारे जो काकड़दा लगती है उन पर भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनका जो दांगी साहब है वो हम पर आके दबाव डालता है, वो जो कि तुमने ज़बरदस्ती किया, मतलब हम ऐसा थोड़ी विवाद है, पर आप हम पे क्यों दबाव डाल, हमारा दरवाज़ा तोड़ दिया। उधर दीवार थी हमारे जो मकान पुराना 80-90 साल का जो बना हुआ था, तो उनको उस समय दीवार तोड़ दी उन्होंने। हम महेश्वर मतलब एडमिट हुए थे रात के समय में, तो उन्होंने दीवार पत्थर वत्थर तो मार के दीवार तोड़ दी।